बहुत पहले समय की बात है जब क्रिस्टोफर रॉबिन एक अनोखी दुनिया में रहा करता था। वो दुनिया उसके घर के पीछे ही थी, द 100 एकर वुड। वहाँ के अंदर वो अकेला ही इंसान था या कहा जाए कि एक बच्चा। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई भी बूढ़ा नहीं होता था। कम से कम जो उस जगह पे रहता वो तो कभी बूढ़ा या बड़ा नहीं होता। लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन यहाँ का रहने वाला नहीं था। वो तो बस यहाँ पे अपने दोस्तों को मिलने आता था। वो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता, मजे करता। वो अपने दोस्तों की मदद करता। जब भी उसकी दोस्तों को उसकी मदद चाहिए होती तो क्रिस्टोफर रॉबिन वहाँ पे हमेशा तैयार रहता, और सबसे खास और उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए भी, विनी द पू के लिए। लेकिन आज वो दिन है जब क्रिस्टोफर रॉबिन को अपना घर बदलना पड़ेगा, यानी कि 100 एकड़ उड़ के अंदर उसका एक आखिरी दिन है। उसके दोस्तों को ये नहीं पता कि वो वापस कब आने वाला है, इसलिए उसके दोस्त उसे पूरी तरह से एक फेयरवेल पार्टी देना चाहते हैं। विनी द पू, रैबिट और बाकी के जितने भी लोग जो 100 एकड़ उड़ में रहते हैं या फिर क्रिस्टोफर रॉबिन के दोस्त हैं, वो उसे एक आखिरी फेयरवेल पार्टी देते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद क्रिस्टोफर रॉबिन विनी द पू के साथ अपने घर के यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हो जाता है। वो घर जाते जाते कई सारी पुरानी जगह पे भी जाते हैं जहाँ पे वो घूमने या फिर मजे करने के जाया करता था। विनी द पू उसे एक गिफ्ट या फिर एक ड्राइंग गिफ्ट करता है जिसके अंदर उसके सभी फ्रेंड की तस्वीरें बनी हुई है क्रिस्टोफर रॉबिन के साथ। क्रिस्टोफर रॉबिन उसे देखता है और बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। विनी द पू कहता है कि हम उसे कभी भूलने देंगे भी नहीं। और इसी के साथ क्रिस्टोफर रॉबिन निकल जाते हैं अपने अगले एडवेंचर की तरफ, और यहाँ पे विनी द पू उसका इंतजार करने के लिए बेसब्री से तैयार हो जाता है। क्रिस्टोफर रॉबिन ब्रिटेन से न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है अपनी पढ़ाई के लिए। अपने पढ़ाई करने के बाद वो वहीं पे सेटल भी हो जाता है। अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद वो आर्मी में भी ज्वाइन करता है। आर्मी के ज्वाइनिंग के बाद जब वो टेम्प्रेरी रिटायरमेंट रहता है तो एक न्यूज़ आर्टिकल यानी कि एक न्यूज़पेपर के अंदर जॉब के लिए लग जाता है। उसी के बीच में उसे एक लड़की से प्यार भी हो जाता है और वो उसे शादी करता है, और उसके साथ ही उसे एक बच्ची भी होती है जिसका नाम होता है जिया। लेकिन यहाँ पे दिन महीनों में गुजर गए, महीने सालों में गुजर गए, और साल 10 सालों में, और वही साल धीरे धीरे बढ़ते गए। लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन 100 एकड़ उड़ में वापस नहीं आया, जहाँ पे विनी द पू, रैबिट और बाकी के दोस्त उसका वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। उसी तरफ हम वापस से क्रिस्टोफर रॉबिन के यहाँ पे आ जाते हैं। क्रिस्टोफर रॉबिन अब उम्र से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, वो 35 साल का हो गया है, और जहाँ पे वो उसे काम करता है यानी कि जिस न्यूज़ आर्टिकल में या फिर जिस न्यूज़पेपर के कंपनी में वो काम करता है वहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा सेल्स गिरे हुए है, क्योंकि अभी यहाँ पे तनाव का माहौल बन चुका है पूरे देश के अंदर। इसके वजह से उनकी अखबार की बिक्री बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। उसी के सिलसिले में हेड यानी कि कंपनी का हेड क्रिस्टोफर रॉबिन से मिलता है और कहता है कि मुझे कल के कर ऐसी एक रिपोर्ट चाहिए जिसके वजह से हमारी कंपनी के सेल्स वापस से बढ़ जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रिस्टोफर रॉबिन को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और उसी के साथ रात हो जाती है। रात में हमें यह पता चलता है कि क्रिस्टोफर रॉबिन का जो तनाव है, जो ऑफिस का तनाव है, वो उसके घर के अंदर भी देखा जाता है, जिसके वजह से वो अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम नहीं दे पाता, और उसकी बीवी उससे बहुत ज़्यादा खपा खपा रहती है। उसी के साथ उसके बेटी को भी, जिया को भी ये लगता है कि उसके पिताजी उससे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टोफर रॉबिन को ही पता है कि ऑफिस के अंदर कितना ज़्यादा तनाव है, क्योंकि अगर उसने कोई अच्छी रिपोर्ट सबमिट नहीं की 2 दिन के अंदर तो उनकी नौकरी चली जाएंगी, यानी कि उसी के उसका घर और बाकी का जो देश के अंदर तनाव बना हुआ है उसका पूरा का पूरा प्रेशर क्रिस्टोफर रॉबिन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन उसी के साथ हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफर रॉबिन ने अपनी फैमिली से ये वादा किया था कि कल यानी कि कल के दिन वो अपने पुराने घर में जाके मजे करेंगे या फिर कुछ टाइम बिताएंगा, लेकिन रिपोर्ट सबमिशन के वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अपने बीबी से कहता है कि तुम जिया को लेके पुराने घर में चले जाओ और मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करके वहाँ पे जल्दी आऊँगा। लेकिन उसकी बीबी उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी में ही घर छोड़ के निकल जाती है अपने पुराने घर में, और ये भी कहती है क्रिस्टोफर रॉबिन से ये कहते हुए जाती है कि तुम्हारी बेटी इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। और शायद ये सच भी है, क्योंकि इस उम्र में उसके पिताजी उसे टाइम नहीं दे पा रहे तो उसकी बेटी में भी कुछ ना कुछ होगा ही।
यहाँ पे हम दूसरी तरफ विनी द पू के तरफ बढ़ जाते हैं। विनी द पू अभी भी उसी तरह से जा जिस तरह से वो पहले से था, यानी कि एकदम नटखट सा, भोला भाला एक बच्चा या फिर एक पू जिसे अभी भी दुनिया की पूरी समझ नहीं है। विनी द पू जैसे नींद से जगता है तो वो देखते हैं कि उसके फ्रेंड पूरे 100 करोड़ में कई बार भी नहीं है। विनी द पू यहाँ वहाँ पे जाके अपने फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करता है। वो देखता है कि उसके फ्रेंड कहाँ पे हो सकते हैं। वो सभी को आवाज़ देता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। विनी द पू यहाँ वहाँ पे अपने फ्रेंड को ढूंढते ढूंढते उस दरवाजे के पास जाके पहुँचता है जहाँ से क्रिस्टोफर रॉबिन बाहर गया था, और गलती से विनी द पू उस दरवाजे को खोलते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही विनी द पू उस दरवाजे से बाहर निकलता है तो विनी द पू ब्रिटेन के अंदर नहीं तो न्यूयॉर्क के अंदर, यानी कि क्रिस्टोफर रॉबिन के नए घर के पीछे ही आके टकरा जाता है या फिर उस दरवाजे से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वो सीधा उसी के पास पहुंचता है जहाँ पे उसे पहुँचना था, यानी कि क्रिस्टोफर रॉबिन के घर के सीधे पीछे ही। वो वहाँ पे जाके क्रिस्टोफर रॉबिन को यहाँ वहाँ पे ढूंढने लग जाता है। क्रिस्टोफर रॉबिन के आवाज़ देता है लेकिन आखिरकार थक हार कर वहीं पे सो जाता है। लेकिन एक चमत्कार उसी समय होता है जब क्रिस्टोफर रॉबिन उसी के सामने आके बैठ जाता है और कहता है कि इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए। उसके आवाज़ विनी द पू 2 मिनट में पहचान जाता है और पू को देखते ही क्रिस्टोफर रॉबिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पू को देखते ही कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम इतने दूर आए कैसे, तुम तो ब्रिटेन में थे ना। इसके जवाब में पू कहते हैं कि मेरे सभी दोस्त गुम हो गए हैं और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्रिस्टोफर रॉबिन कहते हैं कि तुमने मुझे पहचाना कैसे, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ। इसके ऊपर पू कहते हैं कि पहचानना क्या है, तुम वही तो हो हमारे क्रिस्टोफर रॉबिन, तुम बस थोड़े बूढ़े हो गए हो लेकिन हो तो क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर रॉबिन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जहाँ से अभी विनी द पू बाहर आया है, लेकिन वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नाकामयाब हो जाता है क्योंकि उस जगह पे कोई दरवाज़ा था ही नहीं जैसे ब्रिटेन के अंदर था। क्रिस्टोफर रॉबिन इससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ और दंग हो जाता है, लेकिन कोई चारा ना होते वो विनी द पू को अपने घर में ले जाता है। क्रिस्टोफर रॉबिन जब विनी द पू को घर के अंदर लेके आता है तो पू कहते हैं कि क्रिस्टोफर रॉबिन को उसकी मदद करनी होगी, उसके सभी दोस्त गायब हो गए हैं और शायद कोई शैतान उसे उठा के लेके गया है। शैतान का नाम सुनते ही क्रिस्टोफर रॉबिन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है 100 करोड़ के अंदर, वो सब मनगढ़ंत कहानियाँ थी। लेकिन पू कहते हैं कि मेरे सभी दोस्त गुम हो गए हैं और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके जवाब में क्रिस्टोफर रॉबिन कहते हैं कि नहीं, उसे कल एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक एक दिन की डेडलाइन है उसके पास, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी फैमिली रास्ते पे आ जाएंगी। पू कहते कि फैमिली ये क्या है और कहाँ पे तुम्हारी फैमिली, क्या वो खुश है? क्रिस्टोफर कहते कि खुश उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी फैमिली है, मेरी पत्नी है और मेरी बेटी है जो अभी उसी घर के अंदर जहाँ पे मैं रहा करता था। इसके जवाब में पू कहते कि अच्छी बात है, चलो वहाँ पे जाके हमारे फ्रेंड को ढूंढा जाए। लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन सीधा मना कर देता है और कहते कि मुझे बहुत सारा काम है, और वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाता है। लेकिन विनी द पू के बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद और उसकी कंडीशन को समझते हुए क्रिस्टोफर रॉबिन कहते हैं कि ठीक है, हम जाएंगे तुम्हारे दोस्तों को ढूंढेंगे, हमारे दोस्तों को ढूंढेंगे, फिर मैं वापस तुम्हें वापस छोड़ के आ जाऊँगा, इसके बीच में हमें कुछ भी और नहीं चाहिए। और क्रिस्टोफर रॉबिन उसी के साथ विनी द पू को लेता है, ब्रिटेन के लिए 2 टिकट निकालता है और निकल लेता है ब्रिटेन के एडवेंचर के ऊपर। विनी द पू और क्रिस्टोफर रॉबिन जब ट्रेन के अंदर होते हैं तो ट्रेन के अंदर क्रिस्टोफर रॉबिन अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है कि कैसे अखबारों की सेल्स बढ़ाई जाए। लेकिन इसके जवाब में विनी द पू को कुछ भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। पू कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? क्रिस्टोफर रॉबिन कहता है कि ये काम है मेरा, और अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरी फैमिली भूखी मर जाएंगी। पू को इसका मतलब समझ में नहीं आता कि क्रिस्टोफर रॉबिन क्या कहना चाहता है, लेकिन शायद ये कुछ अलग ही है जो उसे समझना भी नहीं चाहिए। ब्रिटेन के अंदर आते ही वो अपने घर के यहाँ पे पहुँच जाता है। अपने घर के यहाँ पे पहुँचने के बाद वो खिड़की में से देखता है कि उसकी बेटी पढ़ाई कर रही है या फिर कहीं पे मन लगाने की कोशिश कर रही है। वो इससे बहुत ही ज़्यादा नाराज है कि उसके पिताजी उसके साथ नहीं आए, और वो अपने मम्मी से इसके बारे में कंप्लेंट भी करते कि उसके पिताजी उससे प्यार नहीं करते, इसी के वजह से वो उसके साथ भी नहीं है।
लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन ये देखते हुए वहाँ से निकल जाता है और विनी को पू को कहता है कि वो मेरी बेटी है। लेकिन चलो हम पहले तुम्हारे दोस्तों को ढूंढते हैं, उसके बाद मैं अपने काम और तुम अपने काम पे। जैसे ही क्रिस्टोफर रॉबिन 100 एकड़ रूट में वापस आ जाता है, यानी कि करीब 22 साल के बाद वो 100 एकड़ रूट के अंदर वापस आ जाता है, तो वो जल्दी जल्दी सभी फ्रेंड को ढूंढने में लग जाता है और ये ढूंढने की कोशिश करता है कि उसके बाकी के दोस्त यानी कि रैबिट और टिगर और उसके साथ डोंकी कहाँ पे है। जैसे क्रिस्टोफर रॉबिन सभी को ढूंढने की कोशिश करने लगता है तो विनी द पू बार बार उसे यही कहता रहता है कि उसे कोई राक्षस उठा के ले गए हैं, मेरे दोस्तों को राक्षस उठा के ले गए हैं। इसके जवाब में क्रिस्टोफर रॉबिन कहता है कि नहीं, राक्षस जैसी कोई चीज़ नहीं यहाँ पे, हालांकि इस पूरी दुनिया में राक्षस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो बचपन में वो खेलने में अच्छा लगता था, बचपन में भी मैं तुमसे झूठ कहा करता क्योंकि मैंने राक्षस को मार दिया है, क्योंकि वहाँ पर कोई राक्षस था ही नहीं। तुम्हें पता है तुम एक छोटे दिमाग वाले एक प्लेयर हो जो क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर कल तक मेरा प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ तो मेरी पूरी फैमिली रास्ते पे आ जाएंगी। तुम्हें पता है बिना फैमिली बिना खाने के क्या होता है, पैसा क्या होता है, तुम्हें तो पता भी नहीं है। तुम्हें बस एक छोटा सा दिमाग है जिसे काम भी करना नहीं आता। इसके जवाब में विनी द पू कहता है कि हाँ, शायद मेरा दिमाग छोटा है, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि शायद मैं क्रिस्टोफर रॉबिन से मिलूंगा तो वो क्रिस्टोफर रॉबिन नहीं कोई और ही होगा, शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। यह कहते हुए विनी द पू वहाँ से चला जाता है और क्रिस्टोफर रॉबिन वहीं पर रुक जाता है इंतजार करते हुए कि कोई उसे मिल जाए। जब क्रिस्टोफर रॉबिन वहाँ पे इंतजार करते करते सो जाता है तो उसे एक सपना आता है। सपने के अंदर वो देखता है कि विनी द पू और उसके बचपन की कुछ यादें, और जैसे वो सपने से जागता है तो उसे पता चलता है कि उसने कितने ज़्यादा गलत किया है। उसे पता चलता है कि पू को तो इतना समझ है ही नहीं, या फिर उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, या कहा जाए तो उसने या फिर रॉबिन क्रिस्टोफर रॉबिन ने कभी अंदर की दुनिया देखी नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया में क्रिस्टोफर रॉबिन इतना बेचैन और बाहर का ये हो गया है कि उसे पता ही नहीं कि एक्चुअल में खुशी होती क्या है और आज तक खुशी का मतलब होता क्या है। थोड़ा आगे बढ़ते ही क्रिस्टोफर रॉबिन को डोंकी मिल जाता है। डोंकी से वो पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ पे है, तो डोंकी कहते हैं कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पे है, लेकिन शायद वो ये पहचानने में मदद कर सकता है कि वो कहाँ पे गए होंगे। इसका इशारा लेते हुए डोंकी को लेते हुए क्रिस्टोफर रॉबिन उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे सभी लोग छुपे हुए हैं, यानी कि उसके बाकी के फ्रेंड। जैसे क्रिस्टोफर रॉबिन सबको ढूंढ लेता है तो सब लोग क्रिस्टोफर रॉबिन को पहचानने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो अब बड़ा हो गया है और उसका चेहरा भी बदल गया है। सभी लोग कहते हैं कि ये क्रिस्टोफर रॉबिन नहीं है, तो उसकी एक्टिंग करने वाला एक बड़ा सा राक्षस है। जैसे कि यहाँ पे क्रिस्टोफर रॉबिन सबको पूछता कि अभी हुआ क्या है, तो कोई भी कुछ भी बताने से मना कर देता है और छुप जाते हैं। तो इसके जवाब में डोंकी कहते हैं कि यहाँ पे सुबह से अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही है और शायद यहाँ पे कोई राक्षस है जिससे हम छुप रहे हैं, क्योंकि अगर हम राक्षस के हाथ में आ गए तो हमें मार देगा। और आपकी जानकारी के मैं ये बता दूं कि ये जो आजीबाजू तरह की आवाज़ें आ रही थी ये किसी राक्षस की नहीं तो बादल की गरजने की आवाज़ थी। यहाँ पे जल्दी बारिश का मौसम आने वाला है और बादल की गरजती आवाज़ को सुन के सब लोग डर गए थे और इनको लगता है कि यहाँ पे कोई राक्षस आया है जो इन्हें खा लेगा। इसको देखते हुए क्रिस्टोफर रॉबिन हंस पड़ता है और कहते हैं कि वो कितना नादान था जो बचपन में इन सब के ऊपर विश्वास भी करता था। लेकिन वो जैसे धीरे धीरे सबको यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वो खुद ही क्रिस्टोफर रॉबिन है और उसने अभी बस 5 मिनट पहले एक राक्षस को मार दिया है। वो सबको कहते हैं कि मैंने उस राक्षस को मार दिया है और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और मैं सिर्फ क्रिस्टोफर रॉबिन हूँ, बस उम्र में थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। यह सबको देखते हुए सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे गले मिल जाते हैं। आगे बढ़कर वो विनी को पू को भी ढूंढ ही लेता है, क्योंकि उसको पता है कि विनी पू कहाँ पे जा सकता है। वो कहीं और नहीं तो उसी जगह पे गया था जहाँ पे वो हमेशा जाया करता था, यानी कि बचपन में जहाँ पे विनी पू और क्रिस्टोफर रॉबिन बैठ के बातें किया करते थे या फिर एडवेंचर के बारे में बातें किया करते थे, विनी पू अभी भी वहीं पे जाया करता था।
वो वहाँ पे जाता है, क्रिस्टोफर रॉबिन भी वहाँ पे जाता है। क्रिस्टोफर रॉबिन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं शायद गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल गया। इसके जवाब में पू कहता है कि गुस्सा क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे बस एक ही चीज़ बताई कि वो क्रिस्टोफर रॉबिन था जिसने सब कुछ बोला, और क्रिस्टोफर रॉबिन कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे वो झूठ बोले सच या गुस्से में। ये देखते हुए क्रिस्टोफर रॉबिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड अभी भी उसके साथ है और वो उससे नाराज बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ सुनते हुए क्रिस्टोफर रॉबिन उसको गुड बाय कह देता है और जाते जाते ही वो रास्ते में सो जाता है। और जैसे ही क्रिस्टोफर रॉबिन की दूसरे दिन आँख खुलती है तो वो खुद को 100 एकड़ उड़ में पाता है और उसको पता चलता है कि दूसरा दिन शुरू हो गया है, यानी कि आज ही वो दिन है जब उसे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना था या फिर अपना प्रोजेक्ट देना था, और अगर सही समय पे सही वक्त पे वो ना पहुँचा तो उसे एक्चुअल में बिना घर के रहना पड़ेगा। ये बात करते हुए वो सबको जल्दी जल्दी में गुड बाय कर देता है और न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही क्रिस्टोफर रॉबिन उस पेड़ से अंदर या फिर उस दरवाजे से अंदर बाहर निकलता है तो उसकी बेटी उसे देख लेती है और कहते हैं कि डैडी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या आप सब हो या फिर मुझसे मिलने आए हो, और अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, आ जाओ ना अंदर। इसके जवाब में क्रिस्टोफर कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे बस कुछ काम के लिए आया था, अब मुझे जाना होगा, मैं चलता हूँ। इसके जवाब में उसकी बेटी फिर से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है, वो कहते हैं कि उसके पिताजी काम के लिए इतने दूर आए लेकिन घर के अंदर उसे आके मिल नहीं पाते। इसके जवाब में क्रिस्टोफर रॉबिन कहते हैं कि मुझे माफ़ करना है कि मुझे जाना होगा, और जल्दी जल्दी में वो वहाँ से निकल जाता है और जल्दी से न्यूयॉर्क के लिए ट्रेन की टिकट लेके ट्रेन के अंदर भी बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ 100 एकड़ उड़ के अंदर जहाँ पे विनी द पू और बाकी के फ्रेंड रुके हुए हैं, उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टोफर रॉबिन अपनी फाइल वहाँ पे भूल गए हैं। सभी दोस्त पू से पूछते कि ये क्या चीज़ है और क्या काम करती है, तो पू कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि ये क्या काम करती है, लेकिन रॉबिनसन कह रहा था कि ये उसके फैमिली के खाना बनाती है और अगर ये नहीं होगा तो उसकी फैमिली भूखी मर जाएंगी। इसके जवाब में उसके दोस्त कहते हैं कि हमें फिर ये इसको वापस देना चाहिए, और इसके जवाब में उनका और एक एडवेंचर शुरू हो जाता है जहाँ पे विनी द पू और बाकी के फ्रेंड वो फाइल लेके क्रिस्टोफर रॉबिन को लिए ढूंढने के निकल जाते हैं उसी दरवाजे से बाहर। लेकिन इस बार वो वहीं पर निकलते जहाँ पे एक्चुअल दरवाजा है, यानी कि ब्रिटेन में। जैसे ही विनी द पू उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले मिलते जिया से, यानी कि क्रिस्टोफर रॉबिन की बेटी से। क्रिस्टोफर रॉबिन की बेटी जब विनी द पू और बाकी के लोगों को देखते तो वो उन्हें पहचान जाती कि वो कौन है, क्योंकि जिया ने उस ड्राइंग को देखा था जो विनी द पू ने सबसे पहले या फिर बचपन में क्रिस्टोफर रॉबिन को एज अ गिफ्ट दिया था, एज अ फेयरवेल गिफ्ट दिया था। क्रिस्टोफर रॉबिन वो सब कुछ भूल तो गया था लेकिन जिया ने गलती से बहुत बार वो फोटो को देख लिया था और वो पहचान जाती कि वो और कोई नहीं, वही विनी द पू और बाकी के लोग हैं जो उस ड्राइंग के अंदर हुआ करते थे। वो उन्हें पूछते क्या तुम वही हो जिन्हें मैं जानती हूँ या फिर जिसकी ड्राइंग मैंने देखी है। इसके जवाब में पू कहते कि शायद अगर तुमने हमारी ड्राइंग देखी होंगी तो, लेकिन हमें नहीं पता कि तुमने कौन सी ड्राइंग देखी है। इसके जवाब में जिया मुस्कुरा देती है और उन सबकी दोस्ती हो जाती है। विनी द पू कहता है कि तुम्हारे पिताजी ये फाइल यहाँ पे भूल गए हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी ये फाइल देनी होंगी या फिर तुम्हारी फैमिली को रास्ते पे आना होगा। ऐसे कुछ बातें करते करते जिया कहते कि ठीक है, हम सब मिलके खुद न्यूयॉर्क जाएंगे और पिताजी को ये फाइल वापस देंगे। जिया अपनी मॉम को एक खत लिखती है जिसके अंदर लिखा है कि उसके पिताजी के कुछ फ्रेंड ने उनकी फाइल ढूंढी है और उसके लिए वो न्यूयॉर्क जा रही है उस पिताजी को फाइल वापस देने के लिए। जब क्रिस्टोफर रॉबिन की बीवी वो खत पढ़ती है और बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि उसकी बेटी कहाँ जा सकती है। ये सब ढूंढते हुए क्रिस्टोफर रॉबिन की बीवी भी न्यूयॉर्क के लिए निकल जाती है और ये दुआ करती कि रास्ते के अंदर कहीं ना कहीं उसकी बेटी मिल जाए और उसके साथ कोई अनहोनी ना हो। यहाँ पर जिया न्यूयॉर्क के अंदर पहुँच गई है और न्यूयॉर्क के अंदर पहुँचने के बाद वो अपने पिताजी के ऑफिस के दफ्तर के या वहाँ से लिफ्ट लेके या फिर बाकी का जुगाड़ करके पहुँचने की कोशिश कर रही है। जहाँ पर दूसरी तरफ क्रिस्टोफर रॉबिन अभी भी ऑफिस में जाने की तैयारी कर रहा है और ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार होकर वो ऑफिस में चला भी गया है। लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन को अभी भी ये नहीं पता कि ब्रीफकेस के अंदर अभी भी कोई फाइल नहीं है।
जैसे ही क्रिस्टोफर रॉबिन मीटिंग के बीचों बीच उठ खड़ा होता है भाषण देने के लिए और जैसे वो फाइल निकालने की कोशिश करते तो वो देखते कि ब्रीफकेस के अंदर कोई भी फाइल नहीं है या फिर जो भी प्रोजेक्ट उसके पास था वो पूरा का पूरा मिसिंग है। लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पे गया होगा या फिर प्रोजेक्ट कहाँ पे छूट गया है। इसके जवाब में उसके बॉस और बाकी के शेयर होल्डर कहते कि तुम बस नाटक कर रहे हो, तुम्हें कुछ दिखाना नहीं है, अगर तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ होगा तो जल्दी दो या फिर हम अभी के अभी ये पूरी की पूरी कंपनी बंद कर रहे हैं। उस मीटिंग के बीचों बीच ही वहाँ पे उसकी बीबी आ जाती है। सेक्रेटरी आंद्रे आके क्रिस्टोफर रॉबिन से कहती है आपकी बीबी आपसे मिलने आई है। इसके जवाब में क्रिस्टोफर रॉबिन के पास दो चॉइस थे, एक तो वो मीटिंग को कंटिन्यू करता या फिर अपनी फैमिली के पास चला जाता। तो इसके ऊपर क्रिस्टोफर रॉबिन अपने फैमिली के पास जाता है और उसकी बीबी से मिलके कहते कि कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। इसके जवाब में उसकी बीबी कहती कि हाँ जी अपने घर से निकल गई है, वो न्यूयॉर्क आई है, शायद तुम्हारे कुछ दोस्तों की बात कर रही थी जो कुछ बियर और टाइगर टाइप के है और ये सब क्या चालू है। इसके जवाब में क्रिस्टोफर रॉबिन कहते कि शायद उसे पता है कि यहाँ पे क्या चालू है, लेकिन हाँ वो ये नहीं जानता था कि इतना कुछ हो जाएगा। इसके जवाब में क्रिस्टोफर रॉबिन और उसकी पत्नी दोनों जिया को ढूंढने के निकल जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जिया कैसे लिफ्ट लेके उस ऑफिस के नीचे पहुँच गए जहाँ पे उसके पिताजी काम करते हैं। उसको वहाँ पे पहुँचते ही वहाँ पे क्रिस्टोफर रॉबिन भी आ जाता है और अपने बेटे को गले से लगा लेता है और कहते हैं कि तुम ऐसे कहीं पे भी वापस नहीं जाओगे, चाहे जो कुछ भी हो या फिर कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो। लेकिन इसी के बीच में उसकी बेटी कहते कि मैंने आपके फाइल के सभी पन्ने घुमा दिए है, शायद अभी आप मुझे बहुत ज़्यादा डांटोगे या फिर मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करोगे। यह सुनते हुए क्रिस्टोफर रॉबिन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसे यह समझ भी नहीं आता कि क्या कहा जाए कि इस जवाब में कि उसकी बेटी इतनी दूर से मिलने के लिए सिर्फ फाइल लेने के लिए आई है या फिर इसके बारे में कि सिर्फ उसको फाइल की चिंता है, इसके बारे में नहीं कि उसके पिताजी क्या सोचेंगे। इसके जवाब में उसके पिताजी कहते कि फाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए उसकी फैमिली सब कुछ है। ये कहते हुए अपने बेटी को वापस से गले लगा लेता है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी कि उसके पास अभी कोई फाइल या अभी कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं जो अपने ऑफिस में सबमिट कर सके। इसके जवाब में विनी द पू एक पेज दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे पूरे फाइल में से हम सिर्फ एक ही पेज बचा पाए हैं। क्रिस्टोफर रॉबिन उसके पेज के ऊपर देखता है, उसके ऊपर लिखा था कि पूरे साल के अंदर कंपनी के लोगों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है इस कंपनी को उभारने के लिए, लेकिन अब इसका कोई फायदा है ही नहीं क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना काम झाम करने के बाद पूरी कंपनी आप बंद हो जाएंगी या फिर सभी लोगों को निकाल कर नए लोगों को भरा जाएगा। लेकिन इसके जवाब में ही क्रिस्टोफर रॉबिन के सर में एक और आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने ऑफिस के फिर भाग कर निकल जाता है जहाँ के बाकी के चेयरमैन बोर्डमैन और वहाँ का खुद का ओनर ने ये कभी कभी डिसाइड कर ही लिया है कि आके सभी बंदों को या फिर सभी लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे बंदे कभी कभी अपना सामान पैक करने में लगे हुए हैं। उसी वक्त वहाँ पे क्रिस्टोफर रॉबिन आता है और कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है जिसके वजह से हमारा सेल्स बढ़ जाएगा। क्रिस्टोफर रॉबिन कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, आइडिया जो हमारे अखबार को बहुत ही ज़्यादा फेमस करेगा और इस कंपनी को एक नई बुलंदी पे लाएगा। आपको पता है कि पिछले एक साल के अंदर हमारे लोगों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है इस कंपनी को ऊपर लाने के लिए, ये जितनी बेकरी अभी तक चालू है ये कब की बंद हो जाती अगर हमारे लोगों ने कुछ काम नहीं किया होता, अगर क्या हो हमने काम करना ही बंद कर दिया तो। इसके जवाब में बॉस बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और कहते हैं कि क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो। इसके जवाब में क्रिस्टोफर रॉबिन कहते हैं कि नहीं रुकिए आप मेरी बात सुनिए, देखो हम कब से ये कितना काम कर रहे हैं, हमें कितना ज़्यादा स्ट्रेट हुआ है लेकिन तब भी अभी तक आपकी बिक्री कुछ भी नहीं बढ़ी, 1% भी नहीं बढ़ी, अगर क्या हो कि हम सब ने एक ही बार छुट्टी ले ली तो। बस इमेजिन कीजिए कि आपकी कंपनी या फिर हमारी खुद की कंपनी हमें छुट्टी दे वो भी पेड लीव के साथ, यानी कि हमें छुट्टी के पैसे मिले। लेकिन ऐसी खाली छुट्टी नहीं, हम जितने भी बैग यूज़ करेंगे, जितने भी कपड़े यूज़ करेंगे उस सभी के ऊपर हमारी कंपनी का लोगो होगा। बस सोचिए कि 1.5-2 लाख लोग हमारे कपड़े की, हमारी कंपनी का लोगो वाली बैग और बाकी के चीज़ों को अलग अलग देशों में विदेशों में लेके जाएंगे। जब लोग ये देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारी कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी है। हम बस छुट्टी लेके उन्हें दिखाएंगे कि हमारी कंपनी कितनी ज़्यादा अच्छी है और इसके वजह से हमारी बहुत ही ज़्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। उसी के साथ लोगों को लगेगा कि ये कंपनी इंटरनेशनल है
तो उसकी वजह से सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यह आइडिया सबको बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है और सब लोग फाइनल कर देते कि सबको यहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाएगा और नए लोगों को रखा जाएगा। लेकिन जो कंपनी का मेन ओनर है वो उस आइडिया से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहते हैं कि इसे मार्केटिंग कहते हैं, तुम्हें बस लोगों तक पहुँचाना है कि हमें चीज़ क्या है, बाद में लोग खुद ये लेंगे। और वो क्रिस्टोफर रॉबिन को धन्यवाद देते कि इतने आइडिया अच्छे आइडिया उसको देने के लिए। इसके जवाब में क्रिस्टोफर रॉबिन कहते हैं कि कभी कभी सबसे अच्छी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है कि कुछ ना करना। कुछ ना करके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, या फिर बहुत कुछ करने के बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। इसके जवाब में वॉर्स कहते हैं कि ठीक है, मैं एक महीने की छुट्टी सैंक्शन करता हूँ, वो भी पेड लीव के साथ, यानी कि तुम्हें छुट्टियों के पैसे भी मिलेंगे और काम करने के बोनस भी। और इसी के साथ क्रिस्टोफर रॉबिन, विनी द पू और उन बाकी दोस्तों का एक एडवेंचर और ख़त्म हो जाता है। जैसे ही छुट्टी सेंशन होती है तो क्रिस्टोफर रॉबिन अपने परिवार के साथ ब्रिटेन के अंदर उसके पुराने घर में आ जाता है और उसके पूरे परिवार को 100 acre उड़ के रास्ता दिखाता है। वो दिखाता है कि उसका बचपन कहाँ पर गुजरा है और एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़िंदगी खुशहाल है, यहाँ पर खुशी भर भर के है, तुम्हें खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खुशी बस तुम्हारे पास होती है, तुम्हें बस नज़र नीचे झुका के देखना है कि वो खुशी किस रूप में है, बचपन के या अपने बचपन के किसी दोस्त में। इसके जवाब में क्रिस्टोफर रॉबिन अपने पुराने उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो उसके दोस्त और विनी द पू बेटा करते थे। वो देखते हैं कि उसकी बेटी कितनी ज़्यादा खुश है, उसे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी अपनी बेटी को खुश करने के लिए, बस ज़रूरत थी तो उसे कुछ टाइम देने की। वो क्रिस्टोफर रॉबिन और विनी द पू अपने उसी जगह पे वापस जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे वो बचपन में बैठा करते थे। विनी द पू क्रिस्टोफर रॉबिन से कहता है, क्रिस्टोफर रॉबिन एक एडवेंचर ख़त्म हो गया, आगे का कोई एडवेंचर बाकी है? क्रिस्टोफर रॉबिन कहता है कि अभी तो नहीं, शायद अगली बार जब बरसात होगी और वो राक्षस वापस निकलेगा तो शायद उसे मारने के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा, लेकिन तब तक इंतज़ार करते हैं, अगर वो राक्षस आया तो ठीक है, नहीं आया तो मेरी बेटी तो है ही यहाँ पे। विनी द पू कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तो यहाँ पे है, लेकिन क्या तुम आ जाओगे? तुमने पिछले बार कहा था कि तुम जल्दी आओगे, लेकिन आने में 22 साल लग गए। क्रिस्टोफर रॉबिन कहते हैं कि नहीं, मुझे आने में 22 साल नहीं लगे, तुम्हें मुझे ढूंढने में 22 साल लग गए, और मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी खोओगे नहीं। I could be there for you.